कोरबा से जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ग्रामीण इलाके में भी लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं वनांचल में कई ऐसे भी इलाके हैं जहां के ग्रामीणों ने अपनी जागरूकता से ही कोरोना वायरस को गांव के बाहर ही ब्लॉक कर दिया है। अपने परिवार के साथ ही पूरे गांव को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण एकजुट होकर कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर कोरबा के पर्यटन स्थल सतरंगा की है। आम दिनों में यहाँ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा है। गांव की गलियां सूनी पड़ी हैं, घर और दुकानें बंद हैं। दरअसल सतरंगा के ग्रामीणों ने कोरोना को हराने में सरकार का पूरा साथ दिया है। जिले में 12 अप्रैल से टोटल लॉकडाउन है। बगैर प्रशासनिक सख्ती के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ग्रामीणों को गाँव से बाहर जाने पर पाबंदी है। हम इस वक्त हैं कोरबा जिले से मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर सतरंगा में। ये गांव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे विहंगम नज़ारा है, पहाड़ियों का दृश्य है। ये गांव चारों तरफ से जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन पर्यटन स्थल होने के बावजूद इस गांव में सन्नाटा पसरा है। सड़कें सूनी दिख रही है। लॉकडाउन का यहाँ के लोग बखूबी पालन कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते ग्रामीणों ने बैठक कर ये फैसला लिया। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में पानी की काफी समस्या है। आम दिनों की तरह कोरोना काल में भी हैंड पंपों में पानी भरने के लिए भीड़ लगती है, लेकिन गांव की महिलाओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का संकल्प लिया है। चेहरे पर मास्क और सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखकर महिलाएं पानी भर रही हैं। कोरोना नहीं है हमारे गाँव में, और हम हमारे सुरक्षा के लिए मैराथन पानी भरे आथन था, और कोई बाहर चीज अथन स्नान ध्यान था धुरिया धुरिया में जाके आसान था। एक लंगा घटों था वानी आसान था। और घर ले कोई बाहर निकलते घर ले कोई बाहर नहीं निकला था। कोरबा में बीते 22 दिनों में 9,667 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जबकि कोरोना से 297 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सतरंगा के ग्रामीण काफी सतर्कता बरत रहे हैं। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहरी इलाके के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का जो वायरस है वो फैल चुका है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को जहां ज़्यादा संक्रमण फैला है वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, और कई गांव ऐसे हैं जहां के ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से वहाँ तक अभी कोरोना नहीं पहुँच पाया है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज़।